तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी किस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक सवाल जो आप लोगों के भी जहन में कई बार आया होगा। हम लोग तो खासतौर पर चूंकि अलग अलग क्राइम की दुनिया में, क्राइम रिपोर्टिंग में ऐसी चीज़ें देखते सुनते रहते हैं। मुझे लगता है इस देश में नहीं पूरी दुनिया में न मालूम ऐसी कितनी मौत होगी जिसका सच कभी सामने नहीं आया, जिसे लोगों ने समझाया कि बीमारी से मर गया, दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई या कुछ और चीज़ें, लेकिन असल में वो सारी साजिश थी, कत्ल। कुछ खुशनसीब लोग थे, हालांकि मरने के बाद उनको खुशनसीब भी क्या बोलूं, लेकिन फिर भी उनके कत्ल का सच सामने आ गया, उनकी मौत का सच सामने आ गया। लेकिन उन बदनसीबों का क्या जो मर भी गए और उनकी मौत की पहली मौत का राज हमेशा के लिए राज ही बना रहा, ये कभी पता ही नहीं चला कि उनकी मौत की असली वजह क्या है। न मालूम ऐसे कितने कत्ल होंगे, इनकी तादाद सैकड़ों हजारों में से भी ज़्यादा होंगी, जिनका कत्ल हुआ लेकिन पता ही नहीं चला कि ये कत्ल था। घर वालों ने भी सब्र कर लिया, लास्ट राइट्स भी हो गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, सब कुछ हो गया, और दुनिया को, कानून को, पुलिस को कभी एहसास ही नहीं हुआ। और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो लगभग बंद हो गए, लगभग ये हो गया कि इसमें कोई साजिश नहीं है, लेकिन किस्मत से वो केस खुला और पता चला कि जिसे अब तक एक नॉर्मल मौत मान रहे थे, बीमारी मान रहे थे, वो असल में उसके पीछे गहरी साजिश थी और ये कत्ल था। आज की कहानी ऐसी ही मौतों की कहानी है जिसे एक वक्त में ये लगा कि ये आम मौत है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी चौंक उठे। लेकिन ये कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको फिर एक बार जानकारी दे दूं कि कुकू FM पर भी आप कहानियां सुन सकते हैं। कुकू FM पे भी तमाम तरह की कहानियां, जो क्राइम की हों, क्राइम की दुनिया के बाहर की हों, हॉरर कहानियां हों, इन्वेस्टिगेशन की हों, बायोग्राफिक हों, अलग अलग लोगों की कहानियां हों, मिस्ट्री हों, सॉल्व अनसॉल्व केसेस हों, तो कहानियों का खजाना है, कहानियों का भंडार है कुकू FM पर। उस पर भी आप कहानियों का मज़ा ले सकते हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है तो कुकू FM पे भी आप कहानी सुने, और जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसको ज़रूर देखें, खोलें। और कहानियों के आप शौकीन हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ भी आपके शौक पूरे हो सकते हैं, तो कुकू FM पे भी आप ज़रूर कहानी सुने। तो जैसा मैं कह रहा था, आज की जो कहानी है, कई बार मौत की सच्चाई देर से आती है, कई बार आती ही नहीं। 7 साल पुरानी बात है, बात 2015 की है, 7 years back, 19th April 2015, चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है, कैपिटल है, अच्छी जगह है। इस चेन्नई में एक जगह है जिसका नाम है 1000 Lights Road, 1000 बत्तियों वाली सड़क, गुलजार रहती है ये सड़क हमेशा, और अपने नाम के हिसाब से यहाँ चहल पहल। और ये जो इलाका है, ये 1000 Lights Road, ये ख़ास तौर पर अपने कपड़ों के लिए मशहूर है। यहाँ पर अलग अलग तमाम ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं और लोग कपड़ों की ख़रीदारी के लिए जाते हैं, तो एक शॉपिंग का बहुत बड़ा हब है यहाँ पर। तो इसी 1000 Lights Road पर 19 अप्रैल 2015 की शाम एक शख्स पैदल चल रहा है। पैदल चलते चलते वो अचानक ही बेहोश हो जाता है और सड़क पर ही गिर पड़ता है। कुछ लोग देखते हैं, करीब आते हैं, देखते हैं बेहोश है। खैर, उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस शख्स की मौत हो जाती है। उस शख्स के बारे में फिर छानबीन की जाती है तो पता चला कि उसका नाम जो है जॉन फिलोमेनन, ये चेन्नई का ही रहने वाला जॉन, और ये उसकी मौत थी। अब डॉक्टर के पास ले गए थे, बाकी चीज़ें थी, तो यही हुआ जो एक निचोड़ निकला, एक नतीजा निकला कि जॉन को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया, घर वालों ने भी सब्र कर लिया, बात आई गई हो गई। महीना बीत गया, 9 अप्रैल 2015 को जॉन की मौत हुई थी। अब तारीख आ गई 17 मई 2015, 17 मई 2015, जॉन की मौत के एक महीने बाद। जिस जगह जॉन की मौत हुई थी वहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर एक जगह है, उत्तिरामेरूर। इस उत्तिरामेरूर में एक शख्स जिसका नाम श्रीधर था, वो भी सड़क पर चल रहा था। चलते चलते अचानक वो गिर गया, गिरने के बाद बेहोश हो गया, उसे भी अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर किया। छानबीन की, नॉर्मल मौत,
नेचुरल मौत, दिल का दौरा इतनी आम बीमारी है कि कोई उंगली भी नहीं उठाता है। तो श्रीधर की मौत भी हार्ट अटैक से हो गई। घर वालों ने सब्र कर लिया, अंतिम संस्कार कर दिया, बात आई गई हो गई। अब श्रीधर की मौत के 5 महीने बीत जाते हैं। 5 महीने के बाद अब तारीख आती है 10 अक्टूबर 2015। अप्रैल से सिलसिला शुरू हुआ था पहली मौत का जॉन का। हेनरी नाम का एक शख्स इसी चेन्नई में, एक जगह है मदीपक्कम, तो मदीपक्कम इलाके से गुजर रहा है, वो भी पैदल चल रहा है। चलते चलते वो अचानक सड़क पे गिर पड़ता है। अस्पताल ले जाते हैं लोग, अस्पताल में डॉक्टर उसे भी मुर्दा करार देते हैं। बात वही कि और तो कोई बीमारी थी नहीं, अचानक दिल का दौरा पड़ा और हेनरी की मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा, घर वालों ने सब्र किया, हेनरी की भी अंतिम संस्कार हो गया। अब ये तीनों जो मौत हुई सड़क पे चलते हुए, इन तीनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो पुलिस के भी कान खड़े करे। तीनों का ज्यूरिसडिक्शन भी अलग था, फासले भी थे। पहली मौत से दूसरे मौत का फासला 90 किलोमीटर, दूसरी से तीसरी का करीब 60 किलोमीटर। तीनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं, तीनों एक दूसरे को जानने वाले नहीं, कोई लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तीनों अलग अलग पुलिस स्टेशन, पुलिस ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि इन कड़ियों को जोड़े। और फिर ये लगा कि एक नॉर्मल सामान्य मौत है, सड़क पर चल रहा, अचानक दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टरों ने भी कहा, और लाश हवाले कर दिया घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। तीन मौत हो गई, किसी को भनक नहीं मिली, परिवार ने भी सब्र कर लिया और ये मौत एकदम खामोशी के साथ। 2 साल बीतते हैं, 2017 9 जनवरी, अब शहर बदल गया है, चेन्नई से दिल्ली। दिल्ली के सदर बाजार, एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट, सस्ता मिलता है वहाँ सामान। सदर बाजार में एक शख्स, रवि कुमार जिसका नाम, वो चल रहा है, अचानक चलते चलते उसके गर्दन पे कुछ चुभता है, वो भी गिर जाता है, बाद में उसकी भी मौत हो जाती है। चेन्नई के इन तीन मौत के 2 साल के बाद की ये दिल्ली की कहानी है, तो दिल्ली की कहानी को अब हम साइड में रखते हैं। तो चेन्नई में 3 मौत हो चुकी, अप्रैल से शुरू हुआ और दिस अक्टूबर 2015 तक, अक्टूबर 2015, अप्रैल 2015 में पहला हुआ, दिन मई में दूसरा और अक्टूबर में तीसरा। तीनों को लेके कोई शोर शराबा नहीं, पुलिस को भी कोई उलझन नहीं, पुलिस को भी कोई शक नहीं। अब इन मौत को भुला दिया गया तीनों को, तीनों के घर वाले भी अपना सब्र करके बैठ गए कि ऊपर वाले की मर्जी, तीनों की मौत हो गई, तीनों के परिवार यही सोच रहे हैं। इस दौरान में अब 1 साल बीत जाता है, अप्रैल 2016 का महीना आ जाता है। 4 अप्रैल 2016 को चेन्नई के ही इंजम बक्कम इलाके में रहने वाले एक बिजनेसमैन, जो करोड़पति, वो इलाके के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। 4 अप्रैल 2016, करीब 41 साल उनकी उम्र थी इन बिजनेसमैन की, नाम था स्टीफन, रियल एस्टेट का बिजनेस था इनका, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, रसूख वाले आदमी थे। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद ये रिपोर्ट लिखाते हैं कि उनके घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी हो गई है और कैश भी। अब एक बड़े आदमी बिजनेसमैन का मामला चोरी का, पुलिस भी फौरन हरकत में आती है, पुलिस FIR लिखती है, तफ्तीश शुरू होती है, पुलिस जांच करती है, सबसे पहले घर के आसपास के CCTV फुटेज को खंगालती है, और CCTV फुटेज से चोर तक पुलिस बहुत आसानी से पहुंच जाती है। इस एरिया में लगे CCTV फुटेज में पुलिस को 3 ऐसे संदिग्ध चेहरे दिखाई देते हैं जिनको देखकर जो स्टीफन बिजनेसमैन है वो भी पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, और जिस वक्त चोरी हुई उसी वक्त ये तस्वीरें थी। अब पुलिस इन तीनों को उठा लेती है। इन तीनों में से 2 तो वो था जो स्टीफन का पुराना ड्राइवर था, एक बालाजी और दूसरा गुरुग आनंदम, और तीसरा था सतीश। अब जो बालाजी और गुरुग आनंदम, ये दोनों स्टीफन के पुराने ड्राइवर थे, जो सतीश था ये इंजीनियर था लेकिन स्टीफन का जानकार था पुराना। अब इन तीनों को जब पुलिस ने उठाया, इनसे पूछताछ की, तो आखिरकार इन्होंने चोरी की बात कबूल कर ली। चोरी की बात कबूल की, इसके बाद पुलिस इनके घर पर दबिश डालती है। लेकिन जब दबिश डालती है तो बाकी दोनों ड्राइवर के घर से तो कुछ नहीं मिलता,
लेकिन इंजीनियर सतीश के घर से इन चोरी के माल के साथ साथ दो ऐसी चीज़ें बरामद होती हैं जिससे पुलिस चौंक उठती है। एक 9 mm के दो पिस्टल और दूसरा करीब 1 kilo पोटेशियम साइनाइड, एक जहर। अब 9 mm का जो पिस्टल है वो हमारे यहाँ इलीगल है, आम आदमी कोई भी सिविलियन नहीं रख सकता। 9 mm का पिस्टल सिर्फ फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं, खासतौर पर पुलिस। अब 9 mm का पिस्टल रखना ही अपने आप में जुर्म है, और दो दो 9 mm का पिस्टल सतीश अपने घर में क्यों रखा है और इतनी मात्रा में 1 kilo जहर उसने क्यों रखा है? अब पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस ने कहा कि इस सतीश का सिर्फ चोरी से कोई मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी मामला है। पुलिस ने उससे पूछा, सतीश ने बोला कि नहीं, ये तो बस मैंने यूं ही रखा, पिस्टल मेरी सुरक्षा के लिए, जहर पहले का पड़ा हुआ था, कुछ ज्वेलरी को साफ करने के लिए, साफ सफाई में भी यूज़ होता है उसके लिए। उसने पुलिस के सामने मुंह नहीं खोली, लेकिन उस वक्त वहाँ की पुलिस को शक हुआ कि ये मामला कुछ और है, ये सिर्फ चोरी तक बात नहीं है। अब पुलिस ने गुपचुप तरीके से सतीश के बारे में तफ्तीश शुरू की, सतीश की पूरी कुंडली खंगाली। पता चला कि सतीश की एक बीवी है और दो गर्लफ्रेंड। अब सतीश की जो बीवी थी उसका, सतीश का पूरा नाम था स्टीफन सतीश, उसका नाम था मैरी रोजलीन। पता चला कि मैरी में और सतीश में अक्सर अनबन रहती थी, झगड़ा होता था। बात इस कदर बिगड़ी झगड़े में कि 2015 में मैरी रोजलीन अपने भाई के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी सतीश के खिलाफ, मारपीट का और सब कुछ। अब मैरी रोजलीन का भाई और सतीश के साले का नाम था जॉन फिलोमेनन, वही जॉन फिलोमेनन जिसकी अप्रैल में पहली लाश मिली थी 1000 Lights Road के पास, अचानक गिरकर उसकी मौत हो गई और फिर दिल का दौरा कहा गया और मर गया। अब जैसे ही पुलिस ये जांच कर रही है और इस तफ्तीश में फिलोमेनन का नाम आया तो पुलिस के कान खड़े हो गए। उन्होंने अब चेन्नई के सारे रिकॉर्ड्स निकालने शुरू किए, फिर मैरी रोजलीन से बातचीत की सतीश की पत्नी से, तो उसने बताया हमारे भाई की मौत ऐसे ऐसे हो गई थी, लेकिन दिल का दौरा बताया था। तो पुलिस ने जब उसकी रिपोर्ट निकाली तो पढ़ करके, हाँ ये तो दिल का दौरा है, पुलिस को कुछ डाउट हुआ। पुलिस ने कब्र खुदवाई और जॉन फिलोमेनन की लाश को दोबारा निकाला और इसका कहा कि आप दोबारा ऑटोप्सी करो और इसकी फॉरेंसिक जांच करो। जब उसकी ऑटोप्सी और फॉरेंसिक जांच आई, उसकी रिपोर्ट आई, पुलिस चौंक गई। अब पुलिस ने कहा कि चेन्नई में और ऐसी कौन कौन सी मौत हुई है जो चलते चलते लोग मर गए? दो नाम और आए। अब ये दोनों नाम जो थे, एक श्रीधर और एक स्टीफन। अब इन दोनों के जब नाम आए, जो आपको बताया कि एक उसके 1 महीने के बाद और दूसरा 5 महीने के बाद जिसकी मौत हुई थी, एक श्रीधर था नाम और दूसरे का नाम था हेनरी। तो अब श्रीधर और हेनरी के भी नाम आया कि इनकी भी सड़क पर चलते चलते मौत हो गई। अब यह हुआ कि जॉन फिलोमेनन का तो रिश्ता इसके साथ जुड़ गया सतीश का, कि साला है, ये दोनों कौन है? अब उन दोनों की कुंडली खंगाली गई कि श्रीधर कौन है और हेनरी कौन है। तो पता चला कि सतीश की बीवी के अलावा जो दो गर्लफ्रेंड हैं, उन दोनों गर्लफ्रेंड के पति का नाम है श्रीधर और हेनरी। अब पहली बार रिश्ता 3 मौत का एक साथ जुड़ा। अब इधर जो पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, उसमें ये कहा गया कि इसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि पॉइजन से हुई है, जहर से। लेकिन उस जहर की वजह से ये ऐसा हुआ, लगा कि दिल का दौरा पड़ा है। अब पुलिस हैरान, इन 3 कत्ल में कहीं भी कत्ल की वजह क्लियर नहीं है, कत्ल का तरीका। तीनों, चाहे वो हेनरी हो, श्रीधर हो या फिर जॉन फिलोमेनन हो, ये तीनों जब मरे तब ये सड़क पर पैदल चल रहे थे और चलते चलते अचानक गिरे, बेहोश हो गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। न गोली मारी गई, न चाकू मारा गया, न किसी ने उनको कुछ खाने पीने को दिया, बस अपने आप चले और गिरे और मर गए। अब लेकिन इन तीनों का रिश्ता जो है इस चोर सतीश से मैच कर गया, एक साला और दो उसकी गर्लफ्रेंड के पति। अब पुलिस ने सख्ती से सतीश से पूछताछ की और इसके बाद उसने मुंह खोला और फिर पूरी कहानी उगली। उसने बताया कि उसकी पत्नी से जब झगड़ा हुआ और उसका साला और पत्नी पुलिस स्टेशन में गए, तो उसने तय कर लिया था कि वो अपने साले
फिलोमिनन को मार डालेगा, लेकिन कैसे मारे इसके लिए उसने बड़ी रिसर्च की। उसने कहा कि चूंकि पुलिस में ऑलरेडी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, अगर साले को कुछ होता है तो पहला शक वहीं उसी पे आएगा, तो ऐसे मारना चाहता था कि किसी भी कीमत पर उसकी तरफ शक ना हो। और दूसरा, उसकी मौत कभी कत्ल लगे ही नहीं, मौत एक नेचुरल सामान्य मौत लगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इसी के बाद उसने रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करते करते इधर उधर आखिरकार उसे एक केस पे उसकी एक नज़र पड़ी, और ये केस एक अम्ब्रेला मर्डर केस की कहानी थी, जो रियल स्टोरी थी, जो लंदन में हुई थी। और लंदन में जो कुछ हुआ ये इंटरनेट पे उसने सब कुछ खंगाला, देखा, इस पर फिल्म भी बनी थी, डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। तब उसकी नज़र एक कहानी पर पड़ी, सतीश की, और ये एक सच्ची घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसने उसको देखी। 1978 की ये कहानी थी। कहानी ये थी कि बुल्गारिया के एक राइटर, एक जर्नलिस्ट जॉर्जी मरकोव, जो BBC के लिए रिपोर्टिंग भी करते थे, जॉर्जी मरकोव की मौत हुई थी, और वो मौत का तरीका बड़ा अजीब था। जॉर्जी मरकोव BBC में पत्रकार थे, और लंदन में उनका कत्ल हुआ था। एक दिन वो बस में जा रहे थे, बस में जब वो बैठे थे तो अचानक एक शख्स छाता लेकर बस में दाखिल होता है, और अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, छाता उसकी जांग पर आकर गिरता है। जांग पे मरकोव को कुछ चुभन सी महसूस होती है, वो शख्स उसे सॉरी बोलता है, मरकोव भी उन्हें सॉरी बोलते हैं, कहते कोई बात नहीं, मामूली सी बात है, हादसा हो जाता है। उसके बाद वो अपने बस स्टॉप पर उतरते हैं, घर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। कई घंटे बाद उन्हें अचानक बुखार सा महसूस होता है। 3 दिन में उनको बहुत तेज़ी से बुखार चढ़ता है, और 3रे दिन मरकोव की मौत हो जाती है। मौत के बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि मरकोव की मौत दिल का दौरा या बुखार या बीमारी से नहीं हुई है, बल्कि रिसिक नाम के एक पॉइजन से हुई है, जो रूस की खुफिया एजेंसी KGB अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल करती है, और KGB ने ही इसका ईजाद किया था। तो उसने क्या करती थी, ऐसे कई केस हुए, ऐसे लोगों को मारा गया, छाती के जो अगला हिस्सा होता है नुकीला, उसमें ये इस जहर को लगा देते हैं, और जिसे मारना हो उसे बस हल्का सा चुभो देते हैं। अब छाता लेकर चलना बड़ा आसान है, आपको किसी पर शक भी नहीं होगा, ना आप गोली मार रहे हैं ना चाकू मार रहे हैं। अब चलते चलते आप किसी से टकरा गए, हल्की से उसको चुभन दे दिया आपने, वो जहर उसकी बॉडी में, और वो उसी वक्त नहीं मरेगा, थोड़ा टाइम लेगा, जब तक उसकी मौत होगी तब तक आप उससे बहुत दूर जा चुके होंगे। ये कहानी पढ़ी सतीश ने, उसे लगा कि ये बेस्ट आइडिया है। इसके बाद फिर उसने छाता खरीदा। छाते के अब उसने इस कहानी से अलग इसमें एक नया ट्विस्ट दिया। उसने उस छाते को, आगे का जो नुकीला हिस्सा है, उसको इस तरीके से अपने हिसाब से बनाया कि वो सिरिंज के जैसा बन गया, जो इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद उसने जहर खरीदा। अब उस सिरिंज को उसने छाते के अगले हिस्से में फिट कर दिया, और जिसको भी चुभाना होता बस वो उसको हल्का सा टच करता, वो जो सुई जैसी चीज़ थी उसके बॉडी के किसी भी जगह पे ज़रा सी चुभती, वो जहर उसके शरीर में ट्रांसफ़र हो जाता। इसी के बाद, इस छाता को बनाने के बाद, उसने पहला कत्ल अपने साले का किया। इसके बाद 2 कत्ल अपनी 2 गर्लफ्रेंड के पतियों का किया। हर कत्ल में उसने फासला रखा। 3 मौत हुई, चेन्नई पुलिस कुछ नहीं पता कर पाई, लेकिन एक चोरी के केस ने इन 3 मौत का राज फाश कर दिया। अगर ये चोरी न हुई होती और उस चोरी के जरिए पुलिस उसके घर तक न पहुंचती, और घर पे उसे वो जहर न मिलता, 9mm की पिस्टल न मिलती, तो शायद सतीश का ये सच कभी सामने नहीं आता। और मौत देने का ऐसा तरीका इंडिया में, जो कि KGB और जैसे जासूस और ये लोग करते थे, ये हिंदुस्तान में अपने तरह का पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसमें इस तरीके से अम्ब्रेला के जरिए, छाते के जरिए 3 इंसानों को मौत के घाट उतारा गया। सतीश को पकड़ लिया गया, उन दोनों चोरों को भी पकड़ा गया, उन्हें तो चोरी की सज़ा मिली, सतीश के ऊपर 3 मर्डर का, और वो फिलहाल जेल में 15 से 16 में यह केस खुला। अब इधर 2017 की तारीख आ जाती है, शहर बदल जाता है दिल्ली, 9th January 2017। एक बिजनेसमैन रवि कुमार दिल्ली के सदर बाजार में काम के सिलसिले में जा रहा है। चलते चलते अचानक उसे लगता है कि उसके गर्दन में कुछ चुभा है,
वो गर्दन की तरफ हाथ मारता है, बस नसीब उसका अच्छा था। जब वो हाथ मारता है तो देखता है कि एक हाथ उसके गर्दन के पास से हटने वाला है। फौरन वो उस हाथ को पकड़ लेता है, दबोचता है तो देखता है पीछे एक शख्स है। इसके बाद वो शोर मचाता है, पब्लिक आ जाती है, भीड़ भाड़ बाजार है वहाँ पे सदर बाजार में। पब्लिक उसे उस शख्स को पकड़ लेती है। इतनी देर में रवि गिर जाता है। अब लोग घबरा जाते हैं कि इसने कुछ किया, उन्हें कुछ पता नहीं, लेकिन लोग पकड़ लेते हैं। पुलिस आ जाती है और जिसको उसने पकड़ा उस शख्स को वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। हवाले करने के बाद इस सर रवि को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल में रवि की मौत हो जाती है। अब जब मौत होती है तो जो शख्स पकड़ा गया, अब वो ज़्यादा बड़ा एक तरह से मुजरिम हो गया, क्योंकि उसी को पकड़ा था रवि ने। लोगों को कहानी अभी तक पता नहीं, लेकिन पुलिस के पास वो बंदा है। अब पुलिस ने उससे कहा, इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसकी मौत पॉइजन से हुई है, रवि की। अब पुलिस ने जो पकड़ा था जिस शख्स को, उसका नाम था प्रेम, और ये प्रेम जो था एक फिजियोथेरेपिस्ट था दिल्ली में। उसे पूछा तो प्रेम ने कहा कि हाँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो उसने कहा तुमने क्यों मारा रवि को? उसने कहा मेरी रवि से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं रवि जो उसकी पत्नी है उसका पड़ोसी हूँ, इन दोनों के पड़ोस में रहता हूँ, लेकिन मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्यों मारा? तब उसने बताया डॉक्टर रवि ने कि असल में मैंने ये नहीं मारा, एक और शख्स है जो जिम ट्रेनर है जिसका नाम है अनीश यादव, मुझे उसने ये काम दिया था और मैंने उसके कहने पर मारा। अब पुलिस अनीश यादव को उठाती है, जिम ट्रेनर को, पूछती है कि भाई तुमने इसको जहर देके इससे क्यों मरवाया, एक फिजियोथेरेपिस्ट से। तब वो कहानी सुनाता है। पता चला कि जिस रवि कुमार को इन लोगों ने मारा, उसकी इस फिजियोथेरेपिस्ट से कोई दुश्मनी नहीं थी, अनीश की थी। रवि कुमार की जिस लड़की से शादी हुई, उस लड़की से अनीश कुमार जिम ट्रेनर प्यार करता था। शादी से पहले ही उसने कई बार प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया। फिर लड़की की अरेंज शादी हो जाती है रवि से। इधर अनीश की भी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद थोड़े दिनों बाद वो अपनी बीवी को छोड़ देता है, तलाक दे देता है, और वो अपने पहले प्यार के ही पीछे पागल रहता है। लेकिन अब उसे पता है कि उसकी शादी हो गई रवि से। अब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर रवि को रास्ते से हटा दे तो शायद उसे उसका पुराना प्यार वापस मिल सकता है, वो फिर से शादी कर सकता है। और बस इसी सोच के साथ अब वो सोचने लगा कि कैसे कत्ल करूँ। ठीक चेन्नई की तरह उसने बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद इत्तेफाक से या बदकिस्मती से अनीश को भी वही डॉक्यूमेंट्री दिखाई दी, वही 78 के बीबीसी के जर्नलिस्ट की मौत की कहानी पढ़ी, और लगा कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। और फिर उसने जहर खरीदा और उसने एक सिरिंज में लिया, और बस वो चुभ होना था। उसे पता था कि ये फिजियोथेरेपिस्ट ये काम बेहतर तरीके से कर सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट को भरोसे में लिया और उसे एक हल्की सी वो सिरिंज दी, और बोला बस वो सड़क पे जब चल रहा हो तो चुभा के निकल जाना। गलती उससे ये हुई कि जब उसने चुभाया तो ऐसी जगह पे चुभाया कि उसका हाथ अचानक, इत्तफाकन आदमी को जब कहीं दर्द या चोट लगती है तो अचानक हाथ उसी तरफ जाता है, लेकिन उस हाथ वो उसकी उस दर्द और चोट की तरफ उसने फेंका था, लेकिन गलती से कातिल का हाथ उसके हाथ में आ गया और वो पकड़ा गया। अगर वो न पकड़ा जाता तो शायद रवि की मौत की दिल का दौरा बताकर केस बंद हो जाता, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया, इसलिए ये केस खुल गया। तो ये चार इंसिडेंट हैं इस देश में जो अम्ब्रेला किलिंग या फिर इस तरीके की किलिंग जो पहले के ज़माने में जासूस इस्तेमाल किया करते थे, इसकी वजह थी कि ऐसी जगहों पे जिन लोगों को मारना जहाँ ख़तरा है, जहाँ आप चाकू नहीं ले आ सकते, जहाँ आप बॉम्ब नहीं ले आ सकते, जहाँ आप रिवॉल्वर नहीं ले आ सकते, और दूसरा कि शक ना हो, क्योंकि कई बार दो देशों के बीच के संबंध बीच में आ जाते हैं, आप शक के घेरे में आ जाते हैं। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, सड़कों पे कोई चल रहा है और अचानक गिर जाए तो किसी को शक नहीं होता, जब तक उसकी मौत हो तब तक तो आप बहुत दूर निकल जाते हैं। तो ये वो लोग इस्तेमाल किया करते थे, और ये केजीबी की देन थी इस तरीके से मौत देने की। लेकिन दूसरे लोग भी इसे कॉपी करके और इस तरीके से कत्ल करने की सोचे, अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। देश में ये जो चार है, चेन्नई के तीन और दिल्ली के एक, ये चार ही मिसाल हैं इस तरीके से जो अलग तरीके से मौत दी गई और कत्ल किया गया। तो उम्मीद है आपको ये कहानी और इसकी जानकारी ठीक ठाक लगी होगी। अगर इस बारे में कोई और जानकारी हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन आज कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।